हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड टूडे वी आर गोइंग टू हैव दी हाईलाइट्स ऑफ द बजट तो आज हम हाईलाइट्स ऑफ बजट के बारे में बात करेंगे आपको पता होगा आज जो है फर्स्ट फेब्रुवरी 2022 को सुबह 11 बजे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट किया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं देर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकिन एक मेजर चीजें जो मेजर मेजर सेक्टर्स में कुछ नई नई चेंजेस आए हैं उसके बारे में एक हम ओवरव्यू लेने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ओवरऑल इस एक वीडियो से जो मेजर चेंजेस हुए हैं बजट में वो आपको पता चल पाए तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के बारे में नाउ द फर्स्ट पार्ट इज जो कैपेक्स का जो टारगेट है दैट इज एक्सपांडेड बाय 35.4 परसेंट फर्स्ट इट वाज 5.54 लाख फाइव करोड़ एंड नाउ इट इज 7.50 लाख फिफ्टी करोड़ एंड इफ यू सी फाइनेंशियल ईयर 23 में द इफेक्टिव कैपेस कैपेक्स कैन बी सीन एट 10.7 लाख करोड़ अभी सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कैपेक्स का मतलब क्या है कैपेक्स का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी की कितनी इन्वेस्टमेंट्स है से फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हंड्रेड यूनिट्स बेच रहा है लेकिन उसका डिमांड भी उतना ही है जितना हंड्रेड यूनिट्स के रिलेटेड मार्केट में था मतलब मार्केट में हंड्रेड यूनिट्स का डिमांड है एंड कंपनी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हंड्रेड यूनिट्स बट वेन द डिमांड इंक्रीजेस तो कंपनी को क्या करना पड़ता है कंपनी को नया एक प्लान डालना पड़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं नए मशीन्स लाने पड़ते हैं तो उसके बेसिस पे अगर ये देखा जाए तो कैपेक्स अगर बढ़ेगा तो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ होगा तो दैट इज वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है एज पर द डेटा विच वी आर गोइंग टू सी नाउ ये तो जो डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कैपेक्स जो है कैपेक्स का साइकिल होता है जैसे अगर समझो हंड्रेड का मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था फिर डिमांड था एक तो आपने क्या कर दिया नया प्लांट लगाया और अगर नया प्लांट लगाया तो फिर कुछ टाइम के लिए डेढ़ सौ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप सफिशिएंट थे फिर उसके बाद 200 यूनिट्स का आपका डिमांड बढ़ गया लेकिन आप डेढ़ सौ ही प्रोड्यूस कर रहे थे फिर आप एक नया प्लांट लगाओगे तो ऐसे अगर नए नए प्लांट्स लगाते रहेंगे तो दैट इज व्हाई इट कैन बी इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उस बेस पर इकोनॉमी का ग्रोथ होगा तो उसी के बेसिस पे देखा जाए तो ये डेटा कह रहा है कि थर्टी से हमारा कैपेक्स जो है वो बढ़ा है एंड फाइव पॉइंट करोड़ टू सेवन पॉइंट

डैट इज़ दी इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम तो बेसिकली कोविड के लिए ये शुरू किया था कोविड के टाइम जो एम एस एम ई सेक्टर था मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का उसको हेल्प करने के लिए ये एक स्कीम शुरू की गई थी तो उसको भी एक्सपांड किया गया है फाइव लाख करोड़ तक अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो डेट इज़ पी एल आई स्कीम्स भी बहुत सारे सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए शुरू की गई थी प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम तो ये बेसिकली फोर्टीन सेक्टर्स को मिली है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है थर्टी लाख करोड़ तक का रिस्पॉन्स इसके रिलेटेड मिला है मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट्स किया गया है थर्टी लाख करोड़ का दैट इज़ पी एल स्कीम्स जो बहुत सारे सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अगले अगला जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द स्कीम्स विच द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉड इफ़ यू सी नंबर फर्स्ट फिफ्टी ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स ओवर एंड अबाउ नॉर्मल बोरइंग अलाउड फॉर स्टेट्स तो फिफ्टी ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल बोइइंग अलाउड फॉर द स्टेट स्टेट्स के लिए अलाउड किया जाएगा फिर हम अगर नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले भी रूपीज वन लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर दैट इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स के लिए भी मिलेगा और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की पे बेसिस पे होगा और दैट विल बी वन लाख करोड़ फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इसी पे पूरा ओवरऑल uh, सबकी नज़र है एंड दैट इज़ दी आई पी ओ ऑफ एल आई सी सो वो भी आप बजट में बात की गई कि पब्लिक इश्यू ऑफ एल आई सी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली टेंटेटिव अगर हम बात करें तो मार्च uh, महीने तक एल आई सी का आई पी ओ आ सकता है उसके लिए बहुत सारे फिर प्रोविजन्स होंगे सेबी की तरफ से फिर सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड uh, जैसे अगर किसी पर्सन का एल का इंश्योरेंस का पॉलिसी है तो ही कैन अप्लाई उनके लिए एक स्पेसिफिक अलग कोटा रखा जाएगा तो दैट इज़ द स्कीम्स बेसिकली तो एल आई पे बहुत सारे लोगों की नज़र थी कि बजट में इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है कि नहीं तो वो भी किया गया है कि पब्लिक इशू होने वाला है दैट मीन दैट मीन दैट मीन्स कैन बी रिलेटेड विद द आई इनिशियल पब्लिक ऑफर जिससे शेयर्स हम आई uh, के भी परचेज कर पाएंगे और स्टॉक मार्केट में एल ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स उसमें हम कर पाएंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्सेस की बिकॉज इफ यू सी द बजट यूजुअली नॉर्मल पर्सन जो होता है नॉर्मल पर्सन क्या करता है टैक्सेस के बारे में देखता है कि हमें कितने टैक्सेस लगेंगे व्हाट इज़ द टैक्स लैब तो इफ़ यू सी दिस टैक्सेस गवर्नमेंट ने एक कुछ नया कंडीशन लाया है काफी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वन टाइम विंडो टू करेक्ट ओमिशंस इन दी आई टी आर फाइल्ड अपडेटेड रिटर्न टू बी फाइल्ड विद इन टू ईयर्स तो अगर आपने पिछले कुछ रिटर्न फाइलिंग में जो आई आपने फाइल किया है उसमें अगर आपके तरफ से कुछ ओमिट हुआ है मतलब कुछ बातें आपने उसमें प्रेजेंट नहीं की थी इनकम आपने उसमें शो नहीं किया था गलती से आप भूल गए थे देर आर सम काइंड ऑफ इन द आईटी रिटर्न विच यू हैव तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा आप उस रिट उस जो ओमिट किए हुए पॉइंट उसको फिर से अपडेट करके रिटर्न uh, को फाइल कर सकते हैं और इसके लिए आपको दो साल का पीरियड दिया जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है दैट इज एट एट अराउंड फिफ्टीन परसेंट तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन के ऊपर सरचार्ज भी है एंड दैट इज फिफ्टीन परसेंट द गवर्नमेंट विल टैक्स इनकम फ्रॉम डिजिटल असेट्स ट्रांसफर्स है थर्टी परसेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे भी हम डिस्कस करने वाले बिकॉज क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन बिटकॉइन इथिरियम बहुत सारे uh, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे डिजिटल करेंसीज में लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको रेगुलाइज करने वाला था उसके रिलेटेड एक बिल लाने वाला था लेकिन अभी इस बजट में हमको एक स्पेसिफिक चीज पता चली है कि क्रिप्टो का जो इन्वेस्टमेंट्स है डिजिटल असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर थर्टी परसेंट का टैक्स आपको सीधा लगने वाला है थर्टी का टैक्स आपको उस पर भरना पड़ेगा नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू बी टैक्स एट रिसीवर एंड तो अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट किया है बिटकॉइन अगर मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ या इथिरियम अगर मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ तो सामने वाला जो रिसीवर होगा वो रिसीवर को ही उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स का परसेंटेज होने वाला है थर्टी परसेंट देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज द मैट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए फिलहाल कम करके फिफ्टीन परसेंट किया गया है अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपडेटेड रिटर्न जो मैंने आपको अभी बताया कि अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर सो इफ़ देर आर एनी पॉइंट लेफ्ट इन दी प्रीवियस रिटर्न आप अगर कुछ पॉइंट लिखने के भूल गए हो कुछ इनकम शो करने के भूल गए हो तो ऐसे इनकम्स को आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके इनकम uh, टैक्स के पास पहुँचा सकते हैं इनकम टैक्स के पास दे सकते हैं एंड दैट उसके लिए आपको जो पीरियड दिया गया है दैट पीरियड इज ऑफ टू ईयर्स नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो दैट इज प्रपोजल विल रेड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू सेवन परसेंट तो, तो uh, जो एक नया प्रपोजल दिया जाएगा जिसके बेसिस पे कॉपरे सोसाइटीज़ जो है उस पर सरचार्ज को रिड्यूस करके सेवन परसेंट किया जाएगा फॉर दोज वन करोड़ एंड रुपीज टेन करोड़ तो एक करोड़ से दस करोड़ के बीच में अगर रहेगा तो उसके लिए सरचार्ज सेवन परसेंट का प्रपोज किया जाएगा नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज टू फोर्टीन परसेंट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेमेंट स्कीम एन पी एस नेशनल पेंशन स्कीम तो बेसिकली दैट इज दी पॉइंट अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके लिए टैक्स डिडक्शन जो रहेगा टी डी एस की जो लिमिट है दैट इज फोर्टीन परसेंट ऑन दी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो अगर हम ओवरऑल टैक्स की बात करें अगर हम ओवरऑल टैक्स की बात करें तो टैक्स में कहीं पे भी स्लैब में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं जो टैक्स का स्लैब लास्ट ईयर चलता था वही टैक्स का स्लैब अभी चलेगा नथिंग इज इंक्रीज नथिंग इज डिक्रीज वॉट एवर स्टैंडर्ड डिडक्शन पीपल यूज टू गेट ऑन सैलरी दैट इज फिफ्टी थाउजेंड वॉट एवर लिमिट्स वेल अवेलेबल फॉर डिडक्शंस फॉर एटी सी ट्रिपल सी एटी डी ए टी यू सारे के सारे लिमिट्स बिल्कुल सेम है इनकम टैक्स का जो स्लैब था कितने परसेंट पे टैक्स लगेगा जो भी रेट्स आपको लास्ट ईयर के अवेलेबल थे वही सारे चीज़ें ये साल के लिए अवेलेबल रहेगा मतलब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं बाकी सारे पॉइंट में चेंजेस किए हैं और एक मेजर चेंज अगर टैक्स में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी अगर जो है क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज उस पर थर्टी का टैक्स उन्होंने चार्ज किया है तो स्टेप्स ऑन डिजिटल करेंसी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लॉन्च ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रूपी स्टार्टिंग 2022 2023 तो लॉन्च करने वाला है ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रूपी देन देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू लॉन्च स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स तो नए नए स्कीम्स लाएंगे डिजिटल असेट्स से रिलेटेड जो टैक्स लगने वाला है उसके रिलेटेड नया स्कीम लाया जाएगा लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स कैन नॉट बी ऑफ़सेट अगेंस्ट एनी अदर इनकम अगर आपको डिजिटल असेट्स में कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉस आप किसी और आपके इनकम के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते ऑफसेट का मतलब होता है आप किसी और इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट जो है दैट इज मोर वॉलोटाइल तो बहुत वॉलोटाइल होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफी मूवमेंट होते रहता है तो जैसे ये क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको कोई लॉस हो गया तो वो लॉस जो है वो आप किसी और इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते ये भी एक प्रोविजन डाला गया है

ज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन देव ब्रॉट इन दिस अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक वेकल्स तो इलेक्ट्रिक वेकल्स लाएंगे, लाएंगे बट ब, बेसिकली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक वेहीक नॉर्मल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अलाउ की गई है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी मतलब इसमें होने क्या वाला है आप अपनी ई की जो बैटरी है वो लेके जाओगे और वो लेके जाने के बाद वो ईवी की बैटरी दे दोगे और दूसरी बैटरी ले लोगे और ऐसे ही हम लोग वो बैटरी यूज करेंगे फिर वो बैटरी यूज करने के बाद जैसी उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है वो बैटरी दे, दे देंगे और दूसरी बैटरी ले लेंगे तो ये एक कंसेप्ट शुरू होने वाला है दैट इज कॉल्ड बैटरी स्वैपिंग तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू अलाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फॉर ऑटोमोबाइल्स विल बी फ्रेम तो ऐसे ई चार्जिंग स्टेशन जो होने वाले हैं वो एस्टैब्लिश करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं बात की गई है तो एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट के तरफ से इस बजट में बोला गया है नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर विल बी एनकरेज टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स फॉर बैटरी एंड एनर्जी एज अ सर्विस इंप्रूविंग द एफिशंसी इन द ईवी इको तो प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया है कि आप बिज़नेस मॉडल्स बनाइए जो बैटरी सेगमेंट में है और उसके बेसिस पे हम थोड़ा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स आर आल्सो एनकरेज एंड आपने देखा ही होगा काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी इसमें एंगेज है जैसे कि टाटाज़ आर ऑलरेडी एंगेज इन एट रिलायंस इज ऑल्सो नाव ना नाव गेटिंग एंगेज इन दिस ई सेक्टर तो इसमें बहुत सारी कंपनीज़ एंगेज होने वाली है तो कमिंग सैटरडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इस सारे सेक्टर्स के बेसिस पे ऐसे कौन से स्टॉक्स होने वाले हैं जो हमें इस पूरे ईयर को एज पर द बजट ध्यान रखने जिसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है तो वी विल डिस्कस दैट कमिंग सैटरडे आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द एजुकेशन तो एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या नए नए पॉइंट्स इस बजट में आए हैं सी दैट स्टेट्स टू बी एनकरेज टू रिवाइज सिलवाई ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज टू मीट नीड्स ऑफ नेचुरल जीरो बजट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडर्न द एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सिलेबस होगा उसको थोड़ा रिड्राफ्ट करने के बारे में यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट इज वन क्लास class one tv channel program of एम ई विद्या विल बी एक्सपांडेड फ्रॉम ट्वेल्व टू टू हंड्रेड टीवी चैनल्स तो बेसिकली ड्यू मैग्जिम डिजिटल वे से एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड होना चाहिए उसके लिए वन क्लास में वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या विल बी एक्सपांडेड और वो ट्वेल्व से टू हंड्रेड टी चैनल्स तक जाएगा एंड उसके बेसिस पे दिस विल इनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लासेस वन टू ट्वेल्व तो रीजनल लैंग्वेजेस में क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व तक इसका काफी अच्छा बेनिफिट देखने मिलेगा फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप टू प्रोवाइड एजुकेशन टू बी बिल्ट ऑन हब एंड स्पोक मॉडल तो डिजिटल यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हो सकती है फिर वन क्लास वन टीवी चैनल ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने बजट में अनाउंसमेंट किया है कि वन क्लास वन टीवी चैनल टू बी इंप्लीमेंटेड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन टू मेकअप फॉर लॉस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ड्यू टू कोविड तो ऑफलाइन एजुकेशन बहुत सारा प्रॉब्लम होने की वजह से ऑनलाइन मोड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑनलाइन uh, वे से uh, लोगों को एजुकेट करें तो एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन उन्होंने शुरू करने का सोचा है क्लास वन से लेकर ट्वेल्व तक ड्यू टू दिस कोविड पैंडमिक और ये धीरे धीरे आगे चलते रहेगा बिकॉज अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो हाइब्रिड मोड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल पॉइंट है बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक ओवरऑल एमएसएमई जो है मीडियम एंड स्मॉल स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस एंड द स्टार्टअप्स रुपीज सिक्स थाउजेंड करोर प्रोग्राम टू रेट एम एसम टू बी रोल्ड आउट ओवर फाइव इयर्स तो सिक्स थाउजेंड का प्रोग्राम यहाँ पे एमएसम के लिए दिया जाएगा पाँच साल में जो होने वाला है मतलब पाँच साल के लिए सिक्स थाउजेंड करोर प्रोग्राम्स के लिए फंड दिया जाएगा एम एस एम इज सच एज उद्यम ई श्रम एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स विल बी इंटरलिंग देर स्कोपी वाइडन तो इसका स्कोप जो है वो और बढ़ाया जाएगा दे विल नाउ परफॉर्म एज पोर्टल्स विद लाइव ऑर्गेनिक डेटा बेसिस प्रोवाइडिंग जी सी बी सी एंड बी बी सर्विसेज सच एज क्रेडिट फैसिलिटे फेसिलिटेशन एनहांसिंग एंटरप्रीनियर अपॉर्चुनिटीज अ फंड विद ब्लैंडेड कैपिटल रेस विद को इन्वेस्टमेंट मॉडल फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड नाबार्ड आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर लेवल पे स्मॉल स्केल सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम करता है दैट इज कॉल्ड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए नए नए वे पे नए नए प्रोग्राम्स के बेसिस पे आ, बहुत कैपिटल रेस किया जाएगा और इसके बेसिस पे एमएसईम सेक्टर्स और स्टार्टअप्स को काफ़ी फायदा होने वाला है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जाएगा फ्रॉम ड्रोन शक्ति तो ड्रोन शक्ति के बेसिस पे एंड प्रमोट uh, किया जाएगा फिर वेंचर कैपिटल जो है हमारा वीसी दैट इज द वेंचर कैपिटल फिर प्राइवेट इक्विटी पी इज प्राइवेट इक्विटी वीसी इज वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल से वेंचर कैपिटल इज इन्वेस्टेड रुपीज फाइव पॉइंट फाइव लैख करोड़ इन स्टार्टअप एक्सपर्ट कमिटी विल बी सेटअप टू सजेस्ट मेशर्स टू हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट इक्विटी की बेस प्राइवेट इक्विटी एज वेल एज जी वेंचर कैपिटल ने भी स्टार्टअप में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में बढ़ पाए और उससे काफ़ी अच्छा उनको बाद में जाके रिटर्न मिल पाए एग्जिस्टिंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर स्टार्टअप्स विच वेर ऑफर्ड रिडम्शन ऑफ टैक्स फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर टू बी एक्सटेंडेड बाई वन ईयर तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेनिफिट्स थे जो गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को दे रहा था वो तीन कॉन्जिकटिव ईयर्स से बढ़ा के और एक साल उनको एक्स्ट्रा दिया है दैट मीन्स टोटल अगर देखा जाए तो फोर कॉन्जिकटिव ईयर्स ईयर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स स्टार्टअप्स को मिलने वाला है ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस इज दी ओवरऑल बजट तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स है लेकिन मैंने गिने चुने कुछ सेक्टर्स लिए और गिने चुने कुछ पॉइंट्स uh, इसमें आपको बताया जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वॉट एवर द नॉर्मल पर्सन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बजट ही सीज दैट ही और शी सीज बेसिकली वॉट दैट वेदर द टैक्सेस आर रेड्यूज वेदर द टैक्स लैब इज इंक्रीज वेदर मैक्सिमम डिडक्शंस आर गिवन टू अर्स बट अगर हम बात करें तो इस बजट में कोई भी टैक्स के ऊपर ज्यादा करके जो एक नॉर्मल इंसान के लिए चाहिए डिडक्शन्स एज वेल एज दी टैक्स स्लैब्स उसमें कोई भी चेंजेस किया गया नहीं है तो आई आई होप कि दिस सेशन वॉज इंटरेस्टिंग आपको इसमें से बहुत सारी चीजें समझ में आई है दिस वॉज जस्ट एन हाईलाइट ऑफ द बजट अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे आते रहते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक